वेलकम टू मनीष राव क्लासेस। आज है 15 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में क्रिटिकल नाइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम जो बेहतर सटीकता के साथ बहिर्ग्रहों के पर्यावरण का अध्ययन करने में मदद कर सकता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? विकसित किया गया भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह IQR के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में उभरा है? तो यह है दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 14 नवंबर को, यानी कि बाल दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है? तो अपनाया अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में उद्यम से किसे Maya 11 Circle के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो किया गया है मोहम्मद सिराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में उद्यम से कौन भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई है? तो यह है फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम से किसे ने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है BSEB ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवर में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो यह है अक्षय कड़वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नए तीन के कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया है? तो चुना गया है मोरिनारी वातानबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का एक विमान दल जिसमें से कौन सी एरोबेटिक्स टीम शामिल है दुबई एयर शो में भाग ले रहा है? तो यह है सारंग और सूर्यकिरण, यानी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो यह है भास्कर चट्टोपाध्याय ने।